हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूँ सागर और आज अपने स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भी अच्छी खासी तगड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज निफ्टी पे जिस तरीके से प्रेशर बनाने का काम किया रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने, वो काबिले तारीफ है। अब काबिले तारीफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में बहुत बड़ा प्रेशर का, क्योंकि हैवी वेट है निफ्टी का, दिग्गज है, और यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा हैवी वेट है यहाँ पे निफ्टी में। तो 8 साढ़े 8% की बड़ी गिरावट, तकरीबन 93 रुपये शेयर आज कल के मुकाबले गिरता हुआ दिखाई दिया। 1012 के लेवल पे क्लोज हो रहा है। कल की जो क्लोजिंग थी 1105 के आसपास थी, 1060 के आसपास आज इसकी ओपनिंग देखने को मिली, और 1080 का तकरीबन इसने हाई बनाया। सुबह थोड़ा मजबूत होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे सेकेंड हाफ में अच्छी खासी तेज गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली, और 1005 का आज इसने दिन में लो बनाया, और फाइनली दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास जाके ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे रिलायंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 1000 का। अगर रिलायंस 1000 के लेवल के नीचे बंद होता है तो फिर एक बहुत बड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों 1617 रुपये का हाई इसने बनाया था 20 दिसंबर के दिन, यानी कि अभी पिछले 2 महीने पहले तकरीबन, अगर हम बात करें 2-2.5 महीने पहले, तो 1600 के आसपास ये स्टॉक कामकाज कर रहा था। और उस टाइम ये स्टॉक सभी लोगों को इतना अच्छा दिखाई दे रहा था कि पता नहीं ये स्टॉक 2000 हो जाएगा कि 2200 हो जाएगा। सारे बड़े ब्रोकरेजेस हाउस की रिपोर्ट जो आ रही थी वो 2000 के टारगेट्स की आ रही थी। तो दोस्तों, उस टाइम इस स्टॉक ने 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी पार किया, लेकिन फाइनली अब ये स्टॉक वहां से लगभग 40% के आसपास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इंट्राडे में अगर हम बात करें तो 942 रुपये का जो इसने 52 वीक लो लगाया, वो अभी परसों के दिन ही 13 मार्च 2020 को लगाया है। तो क्या ये लेवल भी अब टूट सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पे इसका जवाब ये होगा कि जी हाँ, बिल्कुल ये लेवल टूट सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, तो सभी, अगर निफ्टी 8500 के नीचे जाता है अगर कल परसों में, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये 942 का लेवल आसानी से टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर मार्केट में दिखाई दे रहा है, और एक दिग्गज होने के नाते यहाँ पे इस स्टॉक में भी बड़ा प्रेशर दिखाई दे सकता है। वॉल्यूम की अगर आज हम यहाँ पे बात करें तो तकरीबन 1,75,00,000 शेयरों का बड़ा वॉल्यूम हुआ है। 1,841 करोड़ के यहाँ पे शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वांटिटी ट्रेडिंग की अगर बात करें तो 3 बजे तक यहाँ पे टोटल 1,46,00,000 शेयर ट्रेड हुए, जिसमें से 71 लाख शेयरों की लगभग डिलीवरी उठाई गई। 48% से ज़्यादा की यहाँ डिलीवरी क्लॉक होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि क्या ये स्टॉक 1000 का लेवल तोड़ देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज एकमात्र बिजनेस नहीं है, यहाँ पे 3-4 बिजनेस अंदर इसके आते हैं। एक रिलायंस का पेट्रोकेमिकल बिजनेस है जिसकी भी वैल्यूएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, इस कंपनी में रिलायंस जियो की भी बिजनेस आती है, तो जियो का टेलीकॉम कारोबार भी इसी कंपनी के अंदर देखने को मिलता है। और तीसरा, रिलायंस रिटेल, तो रिटेल का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे रिलायंस पे प्रेशर बनने का सबसे बड़ा कारण एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं हम चार्ट पे। पेट्रोकेमिकल बिजनेस में यहाँ पे इसको सबसे ज्यादा घाटा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार यहाँ पे गिरावट के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इसकी सऊदी अरबको के साथ जो डील होने की चांसेस थे, वहाँ पे भी कुछ अड़ंगे लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस जिस तरीके से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे, अगर यहाँ पे सऊदी अरबको और रिलायंस के बीच जो 20% की डील होने वाली थी, अगर वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो इसका जीरो डेप्ट कंपनी बनने का जो सपना है वो भी यहाँ पे थोड़ा अटकता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि पिछले साल के एजीएम में मुकेश अंबानी ने ये भी कहा था कि वो 1-2 साल के अंदर यहाँ पे एक जीरो डेप्ट कंपनी बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे भी इस चीज़ पर अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इनका रिटेल बिजनेस है, तो रिटेल बिजनेस में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से हर जगह भी शटडाउन का माहौल चल रहा है, मॉल वॉल आप जाएंगे नहीं, घूमना फिरना नहीं करेंगे, खाना पीना कम हो जाएगा, लोगों का आना जाना कम हो जाएगा कोरोना वायरस के चक्कर में, क्योंकि तो दोस्तों इसका सीधा असर इनके रिटेल बिजनेस पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फुटफॉल कम होगा तो वहाँ पे उनके बिजनेस में भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो तीनों तरफ से इसको इसके बिजनेस में प्रेशर देखने को मिल रहा है। अच्छी कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्वेस्टर है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको एक अच्छा स्टॉक सस्ते भाव पे मिले, तो इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट लेवल कौन से होते हैं चार्ट पे, जहाँ पे हमको यहाँ पे एक एग्जैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेने की हो एंट्री, तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट एक बार खोलने की कोशिश करता हूँ। सारे चार्ट जो भी हैं वो तकरीबन तकरीबन अपने 20 सितंबर के लो से नीचे कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे स्टॉक आपको देखने मिलेंगे जो अपने 20 सितंबर के लो के ऊपर होंगे, नहीं तो सारे स्टॉक्स ने अपना वो सितंबर का लो तोड़ चुका है।
तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज़ समझने वाली ये है कि यहाँ पे दो जो स्टॉक्स थे, एक तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा आपको पैटर्न दिखाई देगा, तो यहाँ पे वो पैटर्न भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक हमने सपोर्ट की बात की थी 1178 की, जो हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, मैंने तो बताया था कि अगर ये टूटा तो दूसरा लेवल सीधा 1105 के आसपास का है। यहाँ पे मैंने एंट्री लेवल लिख के भी रखा हुआ है, लेकिन फाइनली अगर इसके नीचे स्टॉक जाता है तो उसके नीचे की हमने बात नहीं की, क्योंकि तो हमें लगा था कि यहाँ तक आके तो स्टॉक कहीं ना कहीं संभल ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस का तांडव नाच रहा है हर जगह, तो कोई भी स्टॉक का निचला लेवल तो अभी प्रिडिक्ट करना एकदम ही इम्पॉसिबल है कि कौन स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रिडिक्शन तो एक बार करने की कोशिश करी जा सकती है कि स्टॉक और कहाँ तक एक बार नीचे जा सकता है। तो अब यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट लेवल है, जहाँ पे अभी क्लोजिंग आई 1000 के आसपास, तो यहाँ पे एक लेवल था जहाँ पे एक और सपोर्ट था तकरीबन तकरीबन 1028 के आसपास। तो आज की जो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो उसके नीचे 1012 के आसपास, तो ये लेवल भी लगभग ब्रीच आउट होता हुआ नीचे की नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल होगा वो तकरीबन इस सपोर्ट के आसपास दिखाई दे रहा है, 940 रुपये के आसपास, जहाँ पे इस स्टॉक ने अपने परसों का इंट्रा डे लो छुआ था, जहाँ पे 943 के आसपास ही ये स्टॉक जाता हुआ नजर आया था, और उस दिन इस स्टॉक में वहीं से रिकवरी एक बनते हुए नजर आई थी। तो ये अब एक नेक्स्ट लेवल होगा जहाँ तक ये स्टॉक रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पहला लेवल है, कंफर्म लेवल ये यहाँ पे भी नहीं खा सकते कि यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तक आ सकता है और इसके नीचे भी जा सकता है। तो इसके जो नीचे के लेवल होंगे दोस्तों वो लगभग लगभग फिर जो बड़ा सपोर्ट है जहाँ पे दो तीन बॉटम सपोर्ट नज़र आ रहे हैं, वो तकरीबन 875 के आसपास नज़र आते हैं, जहाँ पे दो तीन बार यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया। और ये लेवल है सन 2017 नवंबर के और 2018 अप्रैल के आसपास तक के। तो यहाँ पे जब स्टॉक ने 3-4 महीने तक यहाँ लगातार कंसोलिडेशन दिखाया था 2017-18 के आसपास, तब की इम्पोर्टेंट लेवल, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस नज़र आता है स्टॉक में। तो यहाँ पे अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में 10 से 20% का और नुकसान देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर 875, 880 या 900 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिलता है, तो लॉन्ग टर्म का जो पैसा है, वो भी जो पैसा आपके काम का नहीं है, वो पैसा आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जिस लेवल की हमने बात की है, वो पहला लेवल तो मैं आपको बता दूँ तकरीबन है 940 रुपये का। यहाँ एक बार मैं आपको लिख देता हूँ कि 940 रुपये का यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है, और जो दूसरा लेवल की हमने बात की वो तकरीबन है 875 रुपये के आसपास तक का। तो यहाँ पे 875 रुपये के आसपास का जो दूसरा लेवल है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इस अच्छी कंपनी में खरीदारी की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे 20 DMA लेवल की। तो यहाँ पे जो 20 DMA का जो लेवल है, उसने 200 DMA के लेवल के नीचे लगातार क्रॉस ओवर दे दिया है, और अभी इसका 200 DMA लेवल जो चल रहा है 1372 का, और स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1015 के आसपास, तकरीबन यहाँ से 370 360 रुपये की दूरी है यहाँ पे 200 DMA की। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्ट्रॉन्ग इस जो चार्ट है पूरी तरीके से बेरिश हो चुका है, और यहाँ पे अब हर बाउंस पे स्ट्रॉन्ग सेल आएगा। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस ही वो हो जाएगा 1100 के आसपास का, जहाँ पे कल ये स्टॉक क्लोज हुआ था 1105 के आसपास, और वहीं पे इसको सबसे पहला सेलिंग मिलेगी, क्योंकि अब हर राइस पे सेल होगा स्टॉक, ना कि बाई ऑन डिप्स होगा। क्योंकि अगर 1105 का लेवल निकला तो फिर 1178, क्योंकि हर वो सपोर्ट लेवल जो टूटता जा रहा है अब वही उसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। और यहाँ पे जो नई तेजी होगी वो सीधी सीधी तकरीबन आप समझ के चलिए 1200 रुपये का अगर लेवल यहाँ पे निकलता है, 1200-1240 का, तो हो सकता है यहाँ पे आपको एक नई तेजी देखने को मिले, तो वो 1350 तक मैक्सिमम इस स्टॉक को ले जा सकते हैं। लेकिन उससे ऊंची तेजी की तो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं। अगर यहाँ पे निफ्टी 1000-1500 पॉइंट रिकवर हो जाता है, कोई बड़ी अच्छी खासी न्यूज आ जाती है, तो ये स्टॉक लेवल 1300 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन वो लेवल यहाँ पे 1000 रुपये के भाव पे कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि यहाँ पे 1300 का लेवल फिलहाल अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि 1500 के लेवल पे इस स्टॉक पे 1000 रुपये के लेवल का टारगेट देना भी मुश्किल था, लेकिन अब 1000 के लेवल पे यहाँ पे 1300 का लेवल का टारगेट देना भी मुश्किल नजर आता है। तो यहाँ पे अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा वो तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पे 1105 और 1178 का लेवल, ये दो लेवल है जहाँ पे अच्छा खासा सेल आएगा। अगर यहाँ पे किसी की पोजिशन है लॉन्ग की और इस प्राइस तक मिलती है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे प्रॉफिट पहले बुक करे। वो नए तेजी के बारे में ऊपर की बात देखी जाएगी, लेकिन पहले उसको अगर 100-150 रुपये तक का यहाँ पे गेन मिलता है यहाँ से, तो अच्छा खासा लेवल होगा प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि मार्केट में आगे चल के प्रेशर बनेगा। मार्केट लगातार एक ही ट्रेंड पे गिरेगा नहीं,
डेफिनेटली ये फर्स्ट लेग है, सेकेंड लेग है, वो तो बाद में पता चलेगा कि एक ही लेग में गिरावट खत्म होती है और वी शेप रिकवरी आती है, या मार्केट दो तीन लेग में 2008 के टाइम गिरेगा, जैसे 2008 में गिरा था, कि लगातार उसको कम से कम 7-8 महीने लगे थे पूरा करेक्शन पूरा करने में। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी अगर होता है, तो अभी तो यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए कि अभी 1 या 2 महीने ही मुश्किल से हुए हैं यहाँ पे स्टॉक में गिरावट के, तो अभी भी लगभग 4-5 महीने का एक वक्त है यहाँ पे स्टॉक को स्टेबलाइज होने के लिए और घूमने के लिए। RSI के लेवल पे यहाँ पे एक बार हम जाते थे बात करें, तो स्टॉक अभी काम काज कर रहा है 22 के लेवल पे, स्टॉक लगातार नया लो बनाता जा रहा है। और RSI के लेवल में अगर हम बात करें तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ काम काज कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ खिसकते हुए दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये RSI पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके एक रिकवरी के चांसेस बनेंगे आगे चल के, लेकिन अभी यहाँ पे रिकवरी आएगी ये कहना अभी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे RSI अभी भी 22 के लेवल पे है और अभी भी ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की जल्दबाजी तो करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे फिलहाल। MACD के लेवल पे अगर बात करें तो -102 का लेवल आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ, और जो MACD लाइन है वो -69। तो अभी भी यहाँ पे जब तक तो कोई पॉजिटिव क्रॉस ओवर नहीं दिखाई देता, जब तक तो ये सिग्नल लाइन MACD लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर नहीं देती, तब तक तो यहाँ पे फिलहाल बाइंग मोमेंटम जनरेट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इसको और कितना नीचे जा सकता है अभी तो थोड़ा देखने की बात होगी कि अब 8,500 का लेवल टूटता है नहीं टूटता, अगर टूटेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे और गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों बस यहाँ पे अब नज़र रखनी है कि यहाँ पे स्टॉक कितना नीचे और जा सकता है, क्योंकि 1600 का स्टॉक अगर आपको 2 महीने के अंदर 800 850 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म के लिए तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का समय होगा। और वहाँ पे तो मैं भी ये कहूँगा कि मैं भी अपनी बाइंग करूँगा, अगर मेरे को 875 से 950 के बीच का लेवल मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं भी यहाँ पे बाइंग करूँगा स्टॉक में, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा हूँ रिलायंस जैसे स्टॉक का इस लेवल पे आने का। क्योंकि अगर 10 लाख करोड़ की कंपनी मेरे को अगर 5-5.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन में मिल रही है, और मेरे को 3 बड़े बिजनेस इतने सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है समय का फ़ायदा उठाने के लिए, तो डेफिनेटली मैं भी यहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई दूंगा। और मैं ज़रूर बताऊंगा कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि मैं किस भाव पे एंट्री ले रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।